तो दोस्तों ये तो सबको पता है कि 150 स्टूडेंट्स स्टूडेंट से ज़्यादा को वन करोड़ प्लस प्लेसमेंट ऑफ़र मिला फ्रॉम आई इन इंडिया ऑल ओवर आई एंड कुछ टू टू थ्री स्टूडेंट्स को मिली 4.3 करोड़ वर्थ की प्लेसमेंट फ्रॉम ट्रेडिंग फर्म्स इन हांगकॉन्ग एंड यू पर अगर आपको मैं दो सिनेरियोस दूं एक साइड पे न्यूज़पेपर पे एक स्टूडेंट पढ़ता है कि करोड़ों की प्लेसमेंट जा रही है और दूसरी साइड पे एक स्टूडेंट पढ़ता है कि कुछ स्टार्टअप्स को 4.3 मिलियन डॉलर की फंडिंग मिल रही है आप मुझे बताओ किस केस में स्टूडेंट इज मोर लाइकली टू गो इन डिप्रेशन कमिट सुसाइड एंड हैव बैड था एंड क्यों मैंने अपनी लाइफ में फोर करोड़ तो क्या अपने करंट प्लेसमेंट से डबल प्लेसमेंट ऑफर डिनाई किए एंड वाई आई चेज एंड लेट्स गेट टू एनालाइज

में आपको इतने अच्छे पैकेजेस अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। मेनी आईटी आर गेटिंग फिफ्टी एल पी एल पी एवन अपू वन करोड़ फ्रॉम इट इन इंडिया इट सेल्फ तो कई लोगों को अब अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं पड़ रही नंबर टू इज़ फैमिली दे देखें मोर कनेक्टेड टू देयर फैमिली क्योंकि माना जाता है कि वेन यू आर ओनली लाइक फ्यू आवर्स फ्लाइट अवे फ्रॉम योर फैमिली जैसे दो या तीन घंटे हो गए जब आप अपने फैमिली को मिलने के लिए फाइव टू टेन थाउजेंड रुपीज़ खर्च के आप कभी भी दिवाली फेस्टिवल्स के लिए जा सकते हो वर्सेज अगर आप अब अब्रॉड अब में हो चाहे आप पास जर्मनी ही क्यों ना गए हो वहाँ पर चाहे एट आवर्स फ्लाइट डिस्टेंस होता है फ्रॉम इंडिया टू जर्मनी बट कॉस्ट ऑफ फ्लाइट इज स्टिल 700 हंड्रेड टू एट हंड्रेड डॉलर्स अगर आप डिसेंट फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहते हो दिवाली वगैरह के लिए तो एक हिंड्रेंस आ जाती है जब आप बाहर से यू आर कमिंग टू मीट योर फैमिली इन इंडिया वर्सेज यू आर ऑलरेडी इन इंडिया सो दिस इज वाई मेनी पीपल आर नॉट चूजिंग टू गो अब्रॉड बट जब न्यूज में बड़े बड़े पैकेजेस आते हैं लाइक फोर करोड़ रुपीज़ जो आप इंडिया में कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी एट दिस मोमेंट एटलीस्ट तो आपका भी मन करता है कि यार वाई आई एम नॉट गिवन दैट ऑफर कोई ये रिसर्च करा कि जो स्टूडेंट्स आई से जिन्हें 4.3 करोड़ का पैकेज मिला है नो वन इज आस्किंग हाउ मच लीड कोड दे डिड हाउ मच पैशन दे हैड टूवर्ड क्वांट फाइनेंस क्योंकि वो कंपनीज जिनके लिए वो ऑफर लेने गए थे देवर मेनली जेन स्ट्रीट सिटेडल

को मैं हायर करता हूं एंड आपको मैं कहता हूं कि मुझे एक एल्गोरिथम बना के दो कि आज फॉर for... स्टॉक लेट से अ स्टॉक कुड बी लाइक गूगल सो गूगल स्टॉक को आज एनालाइज करो एंड आप मुझे बताओ कि कब मुझे गूगल स्टॉक बेचना चाहिए एंड कब खरीदना चाहिए इन वन डे इन वन आवर इन वन मिनट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट आपको मैं आज बताता हूं कि कल गूगल की अर्निंग आने वाली है यू डिसाइड वेन शुड अ बाय वेन शुड अ सेल एनालाइज देर अर्निंग एनालाइज देयर प्रॉफिट मार्जिन एनालाइज हाउ हाउ दे विल परफॉर्म सो दैट आई कैन आई शॉर्ट इट या बाय टर्म्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा बेसिकली यू हैव टू टेल मी वेन टू बाय सेल द स्टॉक एंड आपको डिसीजन लेना बाय डेवलपिंग एलगोरिदम एंड आप एलगोरिदम डेवलप करोगे कॉमन है एंड नाउ हेर कम्स द सेकंड पोजिशन विच इज क्वांट इंजीनियर नाउ क्वांट इंजीनियर क्या करेगा उसे आपके एलगोरिदम की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए you, research, की वो रिसर्च वाले बंदे ने हाउ दैट एलगोरिजम इज मेड नाउ दैट क्वांट इंजीनियर विद यूज दैट एलगोरिदम एंड इम्प्लीमेंटेड सो दैट इट कैन बी इजली यूज बाई प्रोडक्ट मैनेजर्स या फिर कंपनी के लोग बेसिकली वेब डिवेल्पर अगर वेबसाइट में आप अगर

ट कंपनीज है दे ऑफर टू ट्रेन यू दे हेल्प यू इन लर्निंग डेटा साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑल द फाइन प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो आपको ट्रेन करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम द हायर अंडर ग्रेजुअ स्टूडेंट्स एंड उनकी हाइप यू में इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज्यादा है एक साल पहले उनके पैकेजेस 250 टू 300 के ही टच करते थे बट नाउ देयर पैकेजेस हैव इंक्रीज टू 500,000 थाउजेंड डॉलर्स बिफोर आई टेल यू द डिटेल्स अबाउट दिस पैकेज लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल कंपनी अगर आप एमजॉन गूगल फेसबुक इंडिया में अगर आप प्लेसमेंट देते हो तो पैकेजेस कैसे देखते हैं सो दैट यू कैन कनेक्ट सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एमेजन पैकेज इन इंडिया अगर आप एमेजॉन में आपको प्लेसमेंट मिलती है आज आपको पैकेज मिलेगा अराउंड फोर्टी टू फिफ्टी लाख रुपीज इफ यू वॉन्ट टू नो द डिटेल्स बेस पे होगी अराउंड ट्वेंटी लाख रुपीज पर एन एम जो जिसपे थर्टी परसेंट टैक्स करके आपके आएगा लेट्स डॉट गेट टू टू टैक्सेज नंबर टू इज साइनिंग बोनस दैट कुड बी थ्री लैख फाइव लैख डिपेंडिंग ऑन हाउ फार यू कमिंग फ्रॉम एंड उसमें रीलोकेशन बोनस भी वन लाख का हो सकता है लेट्स टेक इट फाइव लैख फॉर नाउ अब इसके बाद आएगा आपका स्टॉक सो स्टॉक एमेजॉन और बाकी कंपनीज थोड़ा डिफरेंटली देती है लेट्स से आपको स्टॉक मिलता है अराउंड थर्टी लाख रुपीस का सो थर्टी लाख रुपीस का अगर स्टॉक मिलेगा कुछ कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट गूगल आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ईच ईयर देते हैं बट एमेजोन आपको फाइव परसेंट फर्स्ट ईयर देता है देन फिफ्टीन परसेंट देन थर्ड ईयर में फोर्टी फोर्टी परसेंटेज सो ऐसे ब्रेकडाउन होता है और लास्ट में होता है परफॉर्मेंस बोनस परफॉर्मेंस बोनस इज अप टू ट्वेंटी परसेंट या उससे भी ज़्यादा तो होता है ये कि अगर आप परफॉर्मेंस मीट कर पा रहे हो जस्ट लाइक like जितना मैनेजर ने काम दिया उतना कर पा रहे हो तो आपको ट्वेंटी परसेंट मिल जाएगा आप एंड में पता भी कर पाओगे अगर आपको बोनस ट्वेंटी परसेंट मिल रहा है मतलब आपने परफॉर्मेंस मीट कर ली इफ यू आर नॉट गेटिंग ट्वेंटी परसेंट परफॉर्मेंस बोनस दैट मीन्स यू आर अंडर परफॉर्मिंग इफ यू परफॉर्म मोर यू मे इवन गेट टू टाइम्स परफॉर्मेंस बोनस एज वेल अगर आपको प्रमोशन एक्सेट्रा मिलती है सो दिस वे यू कैन टोटल इट वुड कम आउट टू बी अराउंड फोर्टी लैख क्योंकि आपको स्टॉक चार साल का नहीं एड करना जस्ट एड वन ईयर फाइव परसेंट एंड फर्स्ट ईयर का अराउंड फोर्टी लैख या थर्टी फाइव टू फोर्टी लाख बन जाएगा नेक्स्ट ईयर मोर 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 नाउ कंपेयरिंग इट विद यूएसए तो एमेजॉन आपको यूएस में देखिए लेट से अराउंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड डॉलर ईयर पर अगर आप सिलिकॉन वैली देखो शायद वहां वन फोर्टी हो सकता है बट लेट्स टेक एवरेज ऑफ द ईयर नंबर टू इज साइनिंग बोनस दैट विल बी अराउंड फिफ्टी थाउजेंड टू सेवेंटी थाउजेंड डॉलर कहीं लोगों को सेवेंटी भी मिले कहीं फिफ्टी भी मिले कहीं को थर्टी में मिलेगा लेट्स टेक द एवरेज एंड नंबर थ्री कॉम्पोनेंट इज योर स्टॉक दट इज सिमिलर दट इज हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स फाइव परसेंट फिफ्टीन परसेंट फोर्टी फोर्टी एंड लास्ट इज परफॉर्मेंस बोनस दैट इज ऑल्सो सिमिलर अराउंड ट्वेंटी परसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से इट विल मीट आउट नाउ ये पैकेजेज अगर इंडिया में फोर्टी लैख हैं और U.S. में 1.5 करोड़ है तो ये जो पैकेजेस है उन्होंने परचेजिंग पावर पैरिटी डिसाइड करके लिए हैं हालांकि अगर आप कंजूसी से रहते हैं यूएस में यू बेसिकली हैव मच मोर परचेजिंग पावर बट दे थिंक ऑफ बाइंग अ हाउस पेइंग योर रेंट ट्रैवलिंग ऑल द एक्सपेंसिस कंबाइन करके अगर आप चॉकलेट इंडिया में दस रुपए की लेते हो तो यहाँ पे 3.5 की है तो ऐसे वो समझ कर अंडरस्टैंड कर, तब आपको वो पैकेज देते हैं एंड बिकॉज सिलिकॉन वैली में एंड काफ़ी एरियाज में घर लेना बहुत मुश्किल है लाइक यू कैन नॉट अफोर्ड अ मिलियन डॉलर हाउस सो दैट्स वाई दे थिंक अबाउट ऑल हालांकि इंडिया में भी घर लेना बहुत मुश्किल है बट दे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लाइफ स्टाइल नाउ ये पैकेज कुछ भी नहीं था इंक्लूडिंग इंडिया एंड यू एस ए क्योंकि अब बारी क्वांट फाइनेंस के पैकेजेस की क्योंकि मैंने खुद अपने सामने जॉर्जर टेक के स्टूडेंट्स को सिक्स हंड्रेड के, के पैकेजेस लेते हुए भी देखा है so talking about 4.3 crore package reality so first of all the base pay is around 200000 dollars which is around like 1.6 crore rupees then number two is no stock component so signing bonus key signing bonus is around 50000 dollars which is also very similar to big tech but number four which is extremely different from big tech companies is your performance bonus that could be हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स टू टू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स वहां पर लिखा होता है आपके पैकेजे में वहां पर ऑफर वालेटे में लिखा होता है अप टू टू हंड्रेड थाउजेंड डॉलर टोटल कभी कभी बन जाता है फाइव हंड्रेड थाउजेंड टू सिक्स हंड्रेड थाउजेंड डॉलर बेस्ड ऑन योर कॉम्पोजिशन कल मैं एक इंजीनियर से बात कर रहा था सिटेडल जेम स्ट्रीट टू सिकमा आई टॉक टू ऑल ऑफ दम इन न्यूयॉर्क सिटी इन शिकागो एंड आई डिस्कस द निटी ग्रिटी डिटेल्स हाउ इज द लाइफ स्टाइल सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि वॉट इज योर पेशन वॉट यू रियली इंजॉय उन्होंने मुझे जनरल बोला कि द वर्क इज वेरी सिमिलर बिकॉज फर्स्ट इंजीनियर वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो वेबसाइट डिजाइन करता था नोट जीएस मर्न बेसिकली से लाइफ स्टाइल इज कंप्लीटली बिग टेक बट डिफरेंस ही टोलमी वॉज वहां पर काफी माइक्रो मैनेजिंग होती है आपको कभी कभी लगता है आपके सिर पर कोई बैठा है आपको ट्वेंटी फोर सेवन मैनेज कर रहा है एंड गिविंग यू टास्क आपको एनालाइज कर रहा है हर रोज विच वॉज रियली रेली टीडियस एंड सेकंड इंजीनियर टोल्ड मी दैट ही वॉज रियली हैप्पी ही वॉज इंजॉयंग इवन तो कभी कभी वीकेंड्स पे काम करना पड़ता है बट ही जनरली इंजॉयज एंड थर्ड एग्जाम्पल इज ऑफ हरकिरत आपने मेरी वीडियो देखी होगी अ वीकेंड विद फोर करोड़ इंजीनियर एंड आफ्टर टॉकिंग टू ऑल ऑफ दीज थ्री पीपल इन फैक्ट इवन लिविंग विद हर कीरत मैंने रियलाइज किया ऑल ऑफ दीज इंजीनियर्स आर वेरी पैशनेट फॉर देर वर्क एंड यह चीज ना तो न्यूजपेपर के आर्टिकल्स में लिखी होती है सिर्फ एक ही चीज को हाईलाइट किया जाता है दैट आई आई टी इक्वल्स टू बिग प्लेसमेंट नो वन टॉक्स अबाउट पैशन नो वन टॉक्स अबाउट हाउ मच लीड कोर्डेड नो वन टॉक्स अबाउट हाउ मच प्रोजेक्ट्स दे मेड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स मेड द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड देर इंटरव्यू प्रोसेस कोई इन चीजों के बारे में बात ही नहीं कर रहा आप एंड

कि फंडिंग उठाई कुछ स्टूडेंट्स ने एट जॉर्जेटेक एंड जब आप जॉर्जेटे का 4.7 मिलियन स्टार्टअप फंड की डिटेल्स पढ़ोगे यू विल गेट टू नो दैट दे वर एक्चुअली लर्निंग अबाउट एडवांस हाइड्रोजन रिसर्च एंड उसके बाद आपको क्या करना है यू कैन जस्ट सर्च फॉर हाइड्रोजन रिसर्च आपको पूरा आर्टिकल मिल जाएगा वॉट दो स्टूडेंट्स फॉर डूइंग बट इफ यू कंपेयर विद आई आपको उनके काम के बारे में कुछ नहीं पता ऑल यू नो इज जस्ट आई आई टीवल्स टू सक्सेस अब इस इस चीज को देख के लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स इन कोटा हुआ 17 years old 16 years old they just think ki yaar mera iit nahi ho pa raha that means i will never be able to crack these big placements aur mujhe bada package nahi milega and why i am here for mujhe jeena hi kyun chahiye and that's why they think of ending their life which is really harsh kyunki koi unke passion ke bare mein jo ye log packages crack कर रहे हैं या फिर funding उठा रहे हैं इनके passion के बारे में India में कोई बात नहीं करता बट यहां पर पैकेजेस दूर दूर तक प्रमोशन नहीं हो रही है अगर आप 500 हंड्रेड के जॉर्जेटेक सर्च करोगे आपको एक भी स्टूडेंट का आर्टिकल नहीं मिलेगा जिन्होंने 500 हंड्रेड के क्रैक किया आप 500 के स्टैनफोर्ड ढूंढोगे आपको नहीं मिलेगा बिकॉज अगर ये ऑफर्स मिलते भी हैं इन्हें इतना हाई लेवल प्रमोट नहीं किया जाता बिकॉज दीज कंपनीज समटाइम्स डू नॉट थिंक अबाउट योर दे देखते हैं कि यार आप अगर ओवरऑल पैशनेट हो आप अगर ओवरऑल डेटा स्ट्रक्चर एलग्रिदम्स अच्छे से कर पा रहे हो थोड़ा बहुत फाइनेंस की इंफॉर्मेशन है दैट इज इनफ फॉर सी योर पैशन एंड हायर यू तो ये काफ़ी प्लेसमेंट्स लक बेस भी हो सकती हैं अगर ये कंपनीज पहले आई आई टी कानपुर चले जाती हैं उन्हें तीन स्टूडेंट हो जाते हैं शायद उनका उनका बजट पूरा हो गया वो आई आई टी डेली जाए ना सो दीज आर दस लॉट ऑफ लक इन्वॉल्व बट वेन यू डू रिसर्च उसमें आपकी एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं आपका पैशन बहुत इन्वॉल्व होता है सो दैट्स वाई दीज यूनिवर्सिटीज़ इन यू एस दे हाईलाइट मोर ऑन पैशन लेस ऑन द नंबर्स नाउ लेट्स कैलकुलेट योर 500 के पैकेज लेट्स से अगर आप 200 के बेस कमाते हो फर्स्ट कंपोनेंट बेस पे इन न्यूयॉर्क सिटी सो यहां पे मैं डालने वाला हूं न्यूयॉर्क सिटी बिकुज शिकागो में इतने बड़े पैकेजेस नहीं मिल रहे थे मैंने फोन पे बात की सो आई एम गोना पुट द लोकेशन एज न्यूयॉर्क आपके हाथ में जो पैकेज आएगा दैट इज अराउंड हंड्रेड एंड थर्टी थाउजेंड डॉलर ये आपके बेस पे है आपको साइनिंग बोनस मिलेगा फिफ्टी थाउजेंड को पहले पे चेक में मिल जाएगा सो लेट्स एड दैट दैट विल मेक योर रियरलीम्पोजिशन जो आपके हाथ में आ रही है सैलरी अराउंड टू हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर क्योंकि उस पर भी टैक्स पड़ता है सो so जो आपके हाथ में बैंक में फर्स्ट ईयर में आएगी अमाउंट दैट इज अराउंड हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड डॉलर एंड परफॉर्मेंस बोनस हम एंड

मीटिंग्स का इनवाइट नहीं आ रहा था कुछ टीम्स में बताता था कुछ टीम्स में माइक्रो मैनेजिंग थी कुछ टीम्स में नहीं थी कुछ टीम्स में आपको वीकेंड में भी पाँच से पाँच से दस घंटे करने पड़ते हैं इफ यू हैव लाइक यू नो सिक्योरिटी ब्रीचेस कोई बहुत बड़ा इश्यूज आ जाता है ऑन कॉल हो जाती है सो दैट इज वंस ए मंथ वेरी मच लाइक बिग टेक कंपनीज बट रियाल इज ग्रेट वर्क लाइफ बैलेंस कंपनीज आपको कभी कभी यू नो यू जस्ट नीड टू टू थ्री आवर्स ऑफ फोकस वर्क समटाइम्स दैट इज ऑल्सो इनफ एवरेज आवर्स एक प्रोग्रामर कोड करता है इट्स अराउंड वन आवर थर्टी मिनट्स इन कंपनीज में एवरेज इससे तीन गुना हो सकता है सो यू हैव टू समाइम्स पुट इन मोर वर्क टू कंप्लीट योर डेड लाइन टू फिनिश योर वर्क ऑन टाइम सो परफॉर्मेंस बोनस अगर आप ये सारा काम कर पाते हो वर्स्ट डेज इलेवन टू ट्वेल्व आवर्स ए डे गुड डेज सेवन टू नाइन आवर्स पर डे अगर आप देते हो आप परफॉर्मेंस के लिए एक्सपेक्टेशन मीट कर पाओगे एंड ए परफॉर्मेंस बोनस कुड भी अराउंड हंड्रेड थाउजेंड डॉलर्स प्लस प्लस बेनिफिट सब कुछ हंड्रेड फिफ्टी भी हो सकता है बेस्ड ऑन योर ऑफर लेटर नाउ इफ यू थिंक इफ यू गेट मैक्सिमम फॉर ऑफर देन उसका भी टैक्स पड़ेगा सो वी हैव टू गो फॉर द सेकंड ईयर ऑफ ए इनकम तो सेकंड ईयर आपके बेस में जो कि आपका बेस पे था टू हंड्रेड क्योंकि साइनिंग बोनस अब नहीं मिलाएंगे तो बेस पे में हम हंड्रेड थाउजेंड और एड कर देते हैं एंड लेट्स मेक इट थ्री हंड्रेड थाउजेंड डॉलर तो नेक्स्ट ईयर यू विल बी सेविंग हंड्रेड एंड एटी के सो फर्स्ट ईयर आफ्टर टैक्स यू विल हैव अराउंड वन फिफ्टी के सेकेंड ईयर परफॉर्मेंस के बाद यू विल हैव अराउंड आफ्टर टैक्स अराउंड हंड्रेड एंड एटी टू टू हंड्रेड के बेस्ड ऑन आपको हंड्रेड थाउजेंड परफॉर्मेंस वो मिलता है या हंड्रेड फिफ्टी मिलता है बट दैट इज वॉट यू विल हैव इन योर हैंड और इसके बाद आपको एक्सपेंसिस माइनस करने हैं तो बेसिकली आप वन करोड़ प्लस तो बचा ही रहे हो इवन दो ये पैकेज फोर करोड़ का है पर आपके हाथ में वन करोड़ सेविंग्स हो सकते हैं एंड इट इज पॉसिबल और ये सेविंग्स कैन गिव यू सेटिस्फैक्शन आपको लगेगा आप अमीर हो रहे हो बट कैन इट गिव यू हैप्पीनेस ये बहुत क्वेश्चनेबल है अकॉर्डिंग टू द हैप्पीनेस इंडेक्स डेटा ऑन मीडियम मैंने अच्छे से एनालाइज किया स्टडीज प्रूव करती हैं दैट योर हैप्पीनेस कंटिन्यूसली इंक्रीज व्हेन यू मेक अप टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड उसके बाद हैप्पीनेस वेरीज कई बार आप सोचते हो कि यार सेवेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर्स करके आपने कुछ नहीं उखाड़ा देन यू विल फील डिप्रेस एंड यू विल सी क्या मेरे दोस्त चार लाख कमा रहे हैं फाइव लाख कमा रहे हैं पर ईयर इन टर्म्स ऑफ डॉलर एंड यू विल फील डिप्रेस एंड यू विल फील यू हैव अचीव नथिंग एंड समाइम्स इन सेवेंटी फाइव के यू विल थिंक कि आप अपार्टमेंट रेंट आप अच्छी गाड़ी हर चीज़ अफोर्ड कर पा रहे हो यू विल फील सेटिस्फाइड एंड यू विल फील सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एज वेल और मेरा मानना भी यही है मोर हॉबीज इक्वल्स टू मोर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड स्टडीज ये प्रूव करती हैं वेन यू वर्क फॉर दीज कंपनीज लाइक जेम स्ट्रीट सिगेडल आपके पास हॉबीज के लिए कम से कम टाइम होता है एंड योर हैप्पीनेस गुड वेरी डिपेंडिंग ऑन हाउ पैशनेट यू आर जब मैं हरकीरत के साथ भी रहता रह था ही सो पैशनेट इवन ऑन वर्किंग ऑन वीकेंड्स वीकेंड्स में भी चाहे पाँच छः घंटे काम करना पड़े ही प्रीफर्स टू डू इट बिकॉज ही इंजॉयज अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे मूवी देखना शायद ज़्यादा पसंद है फॉर आवर्वर्स एंड आवर्स तक दिखना पसंद है एज कंपेयर टू वर्किंग फॉर फाइव आवर्स ऑन वीकेंड्स शायद आप ये लाइफ स्टाइल ज्वाइन करो एंड आई एम नॉट वन ऑफ दम एंड मैंने इसी कारण इंटरव्यू डिनाई की एंड मुझे इंटरव्यू ऑफर आया था फ्रॉम सिटेडेल नॉट वेरी डिफिकल्ट सिंपल बिग बिगटेक की तरह बट आई डिनाइड दैट इंटरव्यू इट सेल्फ क्योंकि जब मैंने वर्क लाइफ बैलेंस देखा द हैप्पीनेस इंडेक्स वॉज नॉट द हाइस्ट एंड मैंने कहा कि मुझे रिमोट कल्चर चाहिए इन फैक्ट आई कॉल्ड पीपल एट जेम स्ट्रीट सीरल टू सिगमा मैनी ऑफ दोज पीपल सेट कि आपको ऑफिस फाइव डेज अ वीक जाना ही पड़ेगा इट डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम बट दो फाइव पीपल सेट दैट दे वर फोर्स टू गो टू ऑफिस एवरी सिंगल डे और जैसे कि मैं रिमोट काम करता हूँ आई लव टू वर्क फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कहीं से भी जाना हो आई लव टू वर्क रिमोटली इवन इंडिया लास्ट ईयर मैंने काम किया था इफ यू हैव सीन दोजीडियोज और अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी होती है अगर आपको इंडिया जाना पड़ता है आपको शायद हॉलीडे लेनी पड़ेगी एंड हॉलीडेज़ आर ओनली फिफ्टीन इन दीज कंपनीज़ एज़ कम्पेयर टू गूगल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक वहाँ पे आपको कहीं कुछ कैसेज में अनलिमिटेड पेड टाइम ऑफ मिलता है एंड ट्वेंटी वन डेज एट गूगल सो दैट इज़ मच बेटर एंड रिमोट वर्क